सो सत श्री अकाल सारिआं नूं, वैलकम टू राइट टू एजुकेशन। मैं गुरविंदर सिंह। सो देखो, अज मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम ते क्वेश्चन पुट किया सी। सो मेरा क्वेश्चन सीगा कि पैप्सू कद बनिया सी। सो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन वैन इट वॉज इस्टैबलिश्ड। सो इहदा आंसर सीगा अज दे दिन 15 जुलाई 1948 दे विच इस्टैबलिश होया सी। सो बड़े सारे स्टूडेंट्स ने इहदा आंसर सही दिता है। सो अज दे इस लैक्चर दे विच, अज दे इस वीडियो दे विच मैं तुहानू पैप्सू के बारे इदा के फैक्ट दसागा जो कि शायद ही तुम्हें पता हो। सो देखो, नॉर्मली पैप्सू नू तो असी सारे जानते ही हाँ, तो PRTC की जो बसिस चलदी हैं पटियाले वाली, पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के बारे भी आप थोड़ा जानेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं अज की यह वीडियो। सो देखो, गल सानू करनी पेगी 1947 की। सो जब आप 1947 तो स्टार्ट करांगे, फिर सानू यह सारी स्टोरी समझ आएगी कि किवें पैप्सू बनया। हुण होया कि 1947 तो बाद इंडिया दे विच कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया गया। सो ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेनली असी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नू फॉलो कर रहे सी। सो देखो, उस समय तो बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा सी, तद इंडिया नू एक न्यू रिपब्लिक कहना शुरू किया गया। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 तो बाद जो लागू हो जाता है, उस तो बाद इंडिया नू एक यूनियन ऑफ स्टेट्स कहना शुरू किया गया। ठीक है ना, की कहने आप यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब जिन्हें भी स्टेट्स है उन्हों का ग्रुप यूनियन बन गया उन्हों का। सो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जा रहा है। सो देखो, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 का है, इंडिया नू 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स एंड टेरेटरी दे विच डिवाइड करता है। यही चीज़ आप इंपॉर्टेंट समझनी है। जे ये समझ आ जाती है ना, सानू सब पता लग जाएगा कि पंजाब पैप्सू ये किदा डिफरेंशिएट किए गए, क्यों अलग अलग बनाए गए। सो चलो हुण आपां समझदे हां इह जो टाइप्स ऑफ स्टेट सीगे। सो मैं इहनू 4 कैटेगरी च बनाना, ABCD, मतलब बनाया ही इदा गया। सो 4 कैटेगरीज है ABCD। हुण इहनू समझण दे लई देखो, एक है प्रोविंस जो कि बहुत वड्डा है, फिर एक है स्टेट, ते थर्ड मैं इहनू रख रहा टेरेटरी। ठीक है, 3 हिस्सों च आपां इहनू समझना है। प्रोविंस साइज़ बहुत ज़्यादा होएगा, फिर उस तो नीचे स्टेट्स के साइज़ आएंगे, फिर सब तो छोटा टेरेटरी नू आपां नाम देवांगे। हुण देखो, आप पहला प्रोविंसिज़ की गल करते हैं। प्रोविंसिज मीनस जिन्हों के साइज़ बहुत ज़्यादा ने। हुण ब्रिटिश इंडिया के जेडे प्रोविंसिज सीगे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा एक गवर्नर अपॉइंट करके रूल किया जाता सी। सो ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते गवर्नरस नू, ते गवर्नर उस प्रोविंस नू कंट्रोल करते सी। सो इदा दे प्रोविंसिज जिन्हों गवर्नर पहला रूल करते सी, हुण मतलब आफ मैं 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद की गल कर रहा, हुण ओह प्रोविंसिज़ नू गवर्नर रूल तो करनगे ही, प्लस उस गवर्नर के नाल नाल एक स्टेट लैजिस्लेचर भी बनाई जाएगी जिदे विच CM इलैक्ट किया जाएगा। सो गल्लां ध्यान नाल समझण वाली हैं। सो ये पार्ट ए टाइप के प्रोविंसिज़ हो जाएंगे। सो पार्ट ए टाइप के प्रोविंसिज़ की खासियत की होगी, ब्रिटिश इंडिया के समय जो प्रोविंसिज़ नू गवर्नर रूल करते सी, अपॉइंटेड बाय उस समय के हैड होंगे वो अपॉइंट करेंगे, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के हैड सीगे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर नू अपॉइंट करते सी, ते ओ गवर्नर उस प्रोविंस नू मतलब मेनली अपॉइंट उस ओह गवर्नर उस प्रोविंस नू मेनली कंट्रोल करता सी। पैरेलल उसके एक लैजिस्लेचर होगा, तो लैजिस्लेचर के इलैक्शन होंगे। सो यह बहुत व्डे व्डे स्टेट्स की ये जिक्र आता है। सो स्टेट कि मैं तुम दसदा, टोटल 9 स्टेट सके। सो एक स्टेट मैं छड़ांगा तुहाडे लिए, तुसी दसना केड़ी स्टेट है। सो 9 स्टेट्स चो असाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, वैसट बंगाल, ये 8 स्टेट्स मैं दसते, एक स्टेट तुसी खुद सोचोगे केड़ी है। हुण आपां पढ़दे हां पार्ट बी दी स्टेट्स। हुण पार्ट बी दे विच, हुण देखो पार्ट ए दा समझ लो जिन्हां दा साइज़ बहुत ज़्यादा, मीनस प्रोविंसिज़ हो गई, प्रोविंसिज़ नूं कंट्रोल करदे आ गवर्नर्स। हुण प्रोविंसिज़ तो थोड़ा छोटा साइज़ है स्टेट्स दा। सो स्टेट्स जिन्हों के प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं ना, मतलब एक स्टेट में कोई प्रिंस रूल कर रहा होगा, वो स्टेट्स प्लस या यूनियन ऑफ स्टेट्स जोड़े हो गए। सो इदा के प्रिंसली स्टेट्स या फिर उन्होंने कोई ग्रुप बना लो, वो भी प्रिंसली स्टेट ही बन गया नंबर ऑफ छोटी स्टेट्स नू मिला के। सो यूनियन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स या प्रिंसली स्टेट्स, इन्हों हूँ कंट्रोल करूंगे राज प्रमुख कंट्रोल करे। इतने गवर्नर नहीं है, इतने वर्ड यूज करता राज प्रमुख। ठीक है ना, मीनिंग ओदे वर्गा ही है, लेकिन यह जे प्रोविंस है उत्थे गवर्नर कहना है, जे स्टेट्स आ गए उत्थे आपां राज प्रमुख कहांगे। हुण
ਇਹ ਜੋ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ 8 ਸਟੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਮਾਈਸੂਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਤ੍ਰੈਵਨਕੋਰ, ਕੋਚਿਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੇ ਕੌਣ? ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਊਗੇ ਦੇਵਰ ਅਪੁਆਇੰਟਿਡ ਬਾਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 10 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਅਜਮੇਰ, ਭੋਪਾਲ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੂਰਗ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੁਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਣੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਵਿੰਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਊਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੋ ਜੋ ਲਿਊਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਐਂਡ ਲਿਊਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਾਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਿਡ ਬਾਏ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਵਰਨਰ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਲ ਦੇ ਵਰ ਅਪੁਆਇੰਟਿਡ ਬਾਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਲਿਊਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਿਡ ਬਾਏ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਡੀ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਓਨਲੀ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ? ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੀ 'ਚ ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਾਰਟ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਜੋ ਪਾਰਟ ਬੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਵਿਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਬਣਦਾ ਹੈ? 8 ਸਟੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਪੈਪਸੂ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਵੀਐਂਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਪਾਰਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਪਸੂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ CM ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ CM ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਆ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਸੀਗੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੈਪਸੂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ 8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਰਟ ਬੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪੈਪਸੂ ਸੀਗਾ ਇਹ 1948 ਤੋਂ 1956 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਗੀ। ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਸੀ 26,208 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ ਸੀ। ਕੰਡਾਘਾਟ, ਚੇਲ, ਪੈਪਸੂ, ਸੋਲਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਫੇਮਸ ਏਰੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ 8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜੀਂਦ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੋ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮੋਸਟਲੀ ਮੁਸਲਿਮ
मुस्लिम लोग इतने ज़्यादा रहते सी, नालागढ़ च ज़्यादातर हिंदू लोग ज़्यादा रहते सी। आई होप आ सारी चीज़ों का चंगी तरह याद हो गया थानू। सो देखो पंजाब दे उस समय जो राज प्रमुख सीगे यादविंदर सिंह सीगे, ते इन्हां दे नाल उप राज प्रमुख सीगे ओह सीगे जगजीत सिंह। ठीक है, दोनों याद रखने हैं, ते पूरे टेन्योर तक आ ही रहे सीगे, ये भी याद तुसी रखियो। फिर उन्हां उस तो बाद देखो पैप्सू दे जो CM रहे ने, टोटल 3 CM रहे ने। फर्स्ट तुसी जरूर याद रखना है ज्ञान सिंह रड़ेवाल, दूजे नंबर ते रघुवीर सिंह, ते तीजे नंबर ते ब्रिशपण। तीनों ही इंपॉर्टेंट ने, याद रख लो पैप्सू के 3 CM रहे ने। पहले तो सब तो इंपॉर्टेंट है ज्ञान सिंह रड़ेवाले, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े सी ते जीत गए सीगे। सो ये यादविंदर सिंह दे बहुत करीब सीगे, इसलिए तुसी ये पॉइंट, इसलिए इन्हां नूं बहुत ज़्यादा हैल्प मिलती है जीतने लिए, तो ये पॉइंट तुसी चंगी तरह याद रखियो। सो देखो पैप्सू दे विच एक बार प्रेजिडेंट रूल भी लग्या, ये भी तुसी याद रखियो, 1953 to 1954 एक साल तक, 5 मार्च to 8 मार्च 1954 तक पैप्सू दे विच प्रेजिडेंट रूल भी रहा, एक बार ही लगा है, तुसी पॉइंट याद रखना है। एंड 1 नवंबर 1956 दे विच की होया, स्टेट रीऑर्गनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 1956 सीगा, जिस दे तहत इंडिया दी जो बाउंड्रीज बनानियां सी स्टेट्स ते टेरिटरीज दियां, उन्हां लैंग्वेजेस दे बेसिस ते उन्हां दे अकॉर्डिंग ही जो पैप्सू सीगा पंजाब, पंजाबी ज़्यादा इधर बोली जाती सी, ते सदर्न रीजन दे नॉर्थ वैसटर्न रीजन दे विच जो हिंदी बोलते सी या पहाड़ी बोलते सी उन्होंने अलग किया गया। सो इहदे विच देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट केड़े केड़े ने, जिमें मैं तुहानू दसा पैप्सू के कुछ एरिया जिमें जींद डिस्ट्रिक्ट हो गया, नरनौद तहसील होगी, ये नदन हरियाणा के पार्ट सके, नदन हरियाणा के पार्ट सके जिन्हों हरियाणा च पाया गया, तो सदन वैसट जो कि हरियाणा च पैंदा सी ओह सीगा लोहाड़ू तहसील, चरखी चरखी दादरी महिंद्रा डिस्ट्रिक्ट इनू हरियाणा च दिता गया, तो हिमाचल के जिमें सोलन नालागढ़ ये सारे हिमाचल च पाए गए। सो यह 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जद आया सी, जिदे अकॉर्डिंग स्टेट रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 1956 जो लियाया गया, वो अकॉर्डिंग पंजाब के इस पैप्सू नू अलग किया गया। फिर 1966 दे विच जद फरदर जो डिवीजन होंदी है पंजाब हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, डिफरेंस 3 अलग अलग स्टेट बनाए जाते हैं। आई होप ये भी पॉइंट तो चंगी तरह क्लीयर हो गए होंगे। हिमाचल प्रदेश पहला यूनियन टेरेटरी बनाया गया, लेटर ऑन स्टेट बनाया गया, ते हरियाणा पंजाब नाल दे नाल स्टेट ही बनाए गए सी। ते उस समय विधानसभा की गल करिए, जो पैप्सू सीगी उहदी विधानसभा की सीटा 60 सीगियां, ते लोकसभा की सीटा 4 सीगियां। हुण आपां गल करदे हां PRTC दे बारे। तुसी देखदे होवोगे बसां दे उत्ते PRTC लिखिया हुंदा, पटियाला PRTC, पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन पटियाला। सो देखो ये बनाई गई सी 16 अक्टूबर 1956, वेयर एज पैप्सू जो पंजाब च मर्ज हुई सी वही सी 1 नवंबर 1956 दे विच। सो 1 नवंबर 1956 उहदे तो 14 कु दिन पहला लगा लो, 16 अक्टूबर 1956 दे विच PRTC बनाई गई सी विद द एक्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट 1950। सच जड़ के जो पैप्सू स्टेट है उत्थों दे लोगों एक इकनोमिक ते वधिया सफ़र तय करन लई एक स्टेट दी रोड ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए है, उहदे तहत पैप्सू बनाई गई सी, PRTC मतलब बनाई गई सी पैप्सू दे लई। इसका एक स्लोगन भी रखा गया सी, जहाँ जाइए तहाँ सोहेले। ठीक है, ये तुसी मतलब वैसे याद रख सकते हो, उदा एग्जाम च नहीं ये पूछा जाएगा। तो 25 लाख के बजट के नाल उन्होंने 60 बसेस चलाइया सीगियाँ। तो जे आप PRTC की गल करिए, PRTC दे विच देखो एक PSU है, पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग है, जिदे विच स्टेट ते सेंट्रल गौरमेंट का योगदान रहिंदा है, ते सेंट्रल गौरमेंट दे विच इनू नदन रोल रेलवे कंट्रोल करती है। सो स्टेट गौरमेंट एंड नदन रेलवे सेंट्रल गौरमेंट दे वल्लों इनू कंट्रोल करती है PRTC नू। ते अज दे समय PRTC दी MD जो ने वो है IS ऑफिसर श्रीमती पूनम दीप कौर। ठीक है, सो IS ऑफिसर पूनम दीप कौर इन्हां दे MD ने। सो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट सके। सो ये PRTC ते पैप्सू दे बारे। सो आई होप तुहानू ये पैप्सू दे उत्ते जो वीडियो बनाई गई बहुत वधिया लगी होगी, नॉलेजेबल होगी, तुहानू कुछ नवा सीखन नू मिलिया होगा, पता लग्या होगा। सो इदा दी वीडियोज़ होर देखने लई कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो इस चैनल नू राइट टू एजुकेशन। ते मिलांगे हुण आपां नैक्सट वीडियो दे विच, तद तक लई सारिआं नू बाय बाय, गॉड ब्लैस यू ऑल।